हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे अपने घरों में। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो जी, आज फहद ने करवाई है घर में कुरान खानी, तो घर में बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। मैंने बनाई हैं सवैयाँ, भाभी ने की सफाइयाँ। अनाया को लगी चोट, अनाया को चोट लगी है और यहाँ पर कुरान खानी हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। ये मैंने बनाई है सवैयाँ, देख शीर खोरमा टाइप। ये खड़े हैं जी भाई जिन्होंने कराई है। अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत दे, अल्लाह पाक इनकी रोजी में, सब के अल्लाह पाक, कोई ना अल्लाह पाक जिस मकसद के लिए तुमने कराई है उसमें अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबी दे। और जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके घरों में भी रोजी रिजक में अल्लाह पाक बरकत दे। आमीन सुम आमीन। ये देखें जी, ये देख से चावल निकालने से पहले मिक्सिंग हो रही है उसकी। देख में है क्या? चिकन पुलाव है। ये देखें, बिरयानी और पुलाव, चिकन पुलाव। ये जी देख लें आप, गरम गरम। इस कर पर अपनी रहमतों का नज़ूल नाज़िल फरमा। ए मेरे मालिक मौला, इस कर में बरकत नाज़िल फरमा। ए मेरे मालिक मौला, इस कर में रहने वालों को इत्तेफाक नसीब फरमा। ए मेरे मालिक मौला, इनको रिज़्क के हलाल वसी मिकदार में अता फरमा। वो रिज़्क तेरी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मालिक मौला, इस कर के साथ ताल्लुक रखने वाले, हम सब के साथ ताल्लुक रखने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुसलमान इस दुनिया पानी से रुखसत हो चुके हैं, ऐ मेरे मालिक उमर, तमाम को जन्नत उल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। आमीन। जी बच्चे अपने टैबों में मशरूफ हैं। ये हुसैन चुपका बड़ा हुआ है। ये मोहम्मद, मोहम्मद व्हाट आर यू डूइंग? बाहर खाना चल रहा है, अम्मी बैठी हुई हैं, ये बच्चे खाना खा रहे हैं। चने जी, जी बच्चे जा रहे हैं अपने घरों पर। ये मेरी बाजी काम कर रही है जो कभी भी काम नहीं करती। और ये नया नया नहीं बेटा, आप छोड़ दें, आपकी चोट लगी है बेटा, आप छोड़ दें। ये देखें जी, अभी हमने करनी है सफाई। और ये नीनो पीछे पीछे मेरे, और बच्चे अंदर बैठे हुए टैब लेकर। और ये भाई मेरे ब्लॉग बना रहे हैं,
और ये हम ब्लॉग बना रहे हैं। और ये भाभी देखें, भाभी ये बर्तन धो रही है, ये देखें धुलाई हो रही है यहाँ पर। ये बाजी अपने मोहम्मद को फुल टाइम प्रोटेक्ट कर रही है। बाजी मोहम्मद को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है? ये मोहम्मद की मामा उसकी जेब में कुछ छुपा रही है, देखे सारे देख ले, ये सारे देख ले, ये देखो उसकी मामा क्या छुपा रही है उसके बैगों में। ये देखे जरा ये क्या, और ये देखे कुछ हो। 1 2 3 को नाया को फोर्स किया जा रहा है, जिस हाथ में उसके चोट लगी थी उस हाथ से लिखने की कोशिश करे, जिसके हाथ से पट्टी उतार दी गई है। नाया शो योर हैंड, नाया शो मी योर हैंड, नाउ यू फील बेटर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। सॉरी कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बच्चों के जाने के बाद घर की सफाई, बच्चों ने इतना तंग किया। ये जो छोटी हैं मेरी, ये बहुत ज़्यादा नोटी हो चुकी हैं, यहाँ आकर इतनी शरारतें करती हैं कुछ समझ ही नहीं आता। और बाकी बच्चों ने इतना गंद घर में फैला दिया था कि उसे साफ़ करते करते आधी रात, मतलब कब टाइम गुजर गया पता ही नहीं लगा। तो उसके लिए आई एम सॉरी। हम हाउसवाइफ को देखें, मतलब इतना काम होता है, इतना काम करने के बावजूद ब्लॉगिंग करती हैं, लेकिन आप लोगों को पसंद ही नहीं आता, ना आप लोग लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो कल घर में कुरान खानी हुई थी उस लिहाज से जी भी मेरे भाई ने जो करवाई, और आप ख़ुद भी देखें, अपने लिए ख़ुद भी दुआ करें, औरों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको उनके घरों में खुश और आबाद रखे, और अल्लाह पाक उनके घर में रोज़ी रिज़क बरकत, अल्लाह पाक उनकी जो भी परेशानी है जो भी मुश्किलें सबको दूर करे। आमीन सुमा आमीन। जितने बीमार हैं अल्लाह जिन्हें शिफा अता फरमाए, जितनी मेरी सहेली हैं बहनें भाई जो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी भी सारी जितनी भी परेशानी है सबको दूर करे। आमीन सुमा आमीन। ये देखें जी, ये बच्चों ने क्या गन खिलाया हुआ, आप ये देखें, ये चेक करें, ये देखें, आपको मैं दिखा नहीं सकती, ये देखें। बहुत ज़्यादा घर में गंद फैला हुआ होता है हर टाइम, बस किचन में भी थोड़े काम होते हैं, किचन में भी खाना क्या पकेगा उसकी एक अलग टेंशन है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग अपलोड नहीं कर पाते वीडियोज़ वगैरह, तो उसके लिए सॉरी। मुश्किलें जितनी भी हैं आसान हो ही जाती हैं, ये अल्लाह जी का वादा। और मेरे तो, मैंने कहा ना, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है इस चीज़ से कि बस अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक बस अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज ना करे, और हर पल बस दुआओं में मुझे भी याद रखें। और मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और जितनी भी मेरी सहेलियाँ बहन भाई, जितनी मेरी दोस्त फ्रेंड जितनी मुझे देख रही हैं, मेरी अल्लाह पाक से उनके लिए भी यही गुजारिश है कि अल्लाह पाक उनकी हर जायज़ दिली तमन्ना जो ख्वाहिशात हैं उनके दिल में उसको पूरा करे। और जो इतने भी औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन सुम आमीन। चलें जी, यहाँ इस दुआ के साथ अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखे जी। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।